त्योहारों के इस सीजन में हांसी में वारदातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार देर शाम हांसी के नजदीक रामसिंह कॉलोनी में एक दुकान के बाहर बैठे रिटायर्ड फौजी को पीछे से गोली मार दी गई। गोली फौजी के सिर में से आर पार हो गई और गंभीर हालत में हिसार रेफर किया गया। हमले की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। चश्मदीदों के अनुसार शेखपुरा निवासी ऋतुराज यादव नाम का रिटायर्ड फौजी एक करियाना स्टोर के बाहर बेंच पर बैठा था, तभी पीछे से आए एक व्यक्ति ने गोली चला दी। गंभीर हालत में उसे हांसी के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे हिसार के लिए रेफर कर दिया गया है और जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने अज्ञात हमलावर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोली चलने की सूचना मिली थी, राम सिंह कॉलोनी में गोली चलगी बताई थी। सूचना पर हम यहाँ आए थे कि जिसके गोली लग रही है उसको तो लेके चले गए थे हिसार। बाकी पूछताछ कर रहे हैं, छानबीन जो भी है, अभी कुछ सामने तो आया नहीं है। नहीं तो ये पता चला किसने गोली मारी है, कितने आदमी थे, कैसे आए थे, अभी कोई पता नहीं चला। ये किराने की दुकान कर रखी थी और फौज से रिटायरमेंट था, उम्र तो बता रहे 35-36 साल। उसकी हालत कैसी है सर? अभी सिचुएशन का कोई पता नहीं है, कार्रवाई तो करेंगे। ये आ रहे हैं सूचना पे तो बाकी स्टेटमेंट देंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई करते हैं। और जैसे भी उसके हालात होंगे, रुका भी आएगा, ध्यान देने के काबिल है तो ध्यान उसी का लेके कार्रवाई करेंगे।